आइए दोस्तों, इस वीडियो में एंगल बाइसेक्टर और इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। दोस्तों एंगल बाइसेक्टर क्या होता है इसको भी हम समझेंगे सबसे पहले, तभी हम अपना एक बेस बना सकते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए दोस्तों, उसको समझने के लिए हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल का नाम दे देते हैं सबसे पहले, इसका नाम है ट्राइंगल पी क्यू और आर। तीन वर्टेक्स हैं इसकी। दोस्तों अगर हम इसके वर्टेक्स को, इसके एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि इसके एंगल को बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन निकालते हैं और इसको आगे बढ़ा देते हैं। सिमिलरली अगर हम वर्टेक्स क्यू और एंगल क्यू को बाइसेक्ट करेंगे और एक लाइन निकाल के ले जाएंगे, दोस्तों ये हमें मिलेगी किसी एक पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे आई, और दोस्तों इस आई का नाम होता है, इसको बोलते हैं इन सेंटर। सिमिलरली अगर मैं यही प्रैक्टिस एंगल आर के साथ करूं तो दोस्तों ये भी बिल्कुल, दोस्तों ये भी इसी पॉइंट पर ही मिलेगा, इस पॉइंट पर जिसका नाम है आई। तीनों जो बाइसेक्टर्स हैं एंगल के, वो परफेक्टली आई पॉइंट पर मिलेंगे। इसका थोड़ा मैं अब क्लियर डायग्राम आपके सामने बनाता हूं। दोस्तों पी क्यू और आर हमने जैसे ट्राइंगल बनाया, उसमें स्पेसिफिकली जो पॉइंट जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे पी क्यू और आर एंगल्स के, उसको हम बोलेंगे इन सेंटर। इन सेंटर की जो खास बात होती है वो क्या होती है कि ये जो सर्कल है, मतलब इसको हम इन सर्कल भी बोलते हैं, ये जो सर्कल है इसका नाम होता है इन सर्कल। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, ये हमेशा ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल। ट्राइंगल के दोस्तों हमेशा ये अंदर ही बनता है, ये बाहर नहीं बनता है। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, अगर आप इस इन सेंटर से इन सभी साइड्स पर एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, जैसे कि वो यहाँ मीट करेगा पॉइंट नंबर ए बी और सी पे, लेट सपोज, तो ये जो आई बी इजिकल टू आई ए इजिकल टू आई सी, ये तीनों जो लेंथ हैं दोस्तों ये होती हैं आर, और इसका नाम होता है दोस्तों इन रेडियस, इसको इन रेडियस बोलते हैं। तो ये जो तीनों लेंथ होती हैं ये बराबर होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट दोस्तों इसमें रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट ये है कि जो एंगल बनाता है कोई भी साइड, जैसे कि साइड मान लेते हैं पी क्यू, वो एंगल बनाती है आई के साथ, इसको हम बोलेंगे पी आई और क्यू। एंगल पी आई और क्यू जो होता है वो होता है दोस्तों 90 डिग्री, तो होगा प्लस हाफ ऑफ एंगल आर हो जाएगा। कहने का मतलब जो एंगल कोई भी साइड बनाती है इन सेंटर आई के साथ, वो इक्वल टू होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ जो अपोजिट वर्टेक्स का एंगल होता है। सिमिलरली अगर क्यू आर साइड बनाती है एंगल तो आई के साथ, तो ये क्या बनेगा दोस्तों, क्यू आई और आर इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा प्लस ऑफ हाफ ऑफ एंगल पी हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही देखें तो साइड पी आर क्या बनाएगा, पी आर यहाँ बनाएगा आई के साथ क्या बनाएगा, सो एंगल पी आई और आर इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू। तो ये रिजल्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सेंटर जो है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा इन सेंटर क्या क्या एंगल बनाता है तीनों साइड्स के साथ, उसका जो परफेक्ट रिजल्ट है वो यहाँ पर हमें मिलता है। और देखते हैं दोस्तों क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमें इन सेंटर के केस में और एंगल बाइसेक्टर के केस में। सो आई होप एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट तो क्लियर होगा कि जो भी एंगल पी है, एंगल क्यू है और एंगल आर है, उसको परफेक्टली जब हमने काटा तो हमारे पास एक पॉइंट मिला जहाँ पर ये तीनों के तीनों बाइसेक्टर्स मीट करे, उस पॉइंट का नाम हमने रखा इन सेंटर, और उस सर्कल का नाम जो उस पॉइंट से बना जिसने तीनों के तीनों लेंथ ऑफ ट्राइंगल को टच किया, उसका नाम रखेंगे दोस्तों हम इन सर्कल। तो ये दोस्तों हमारे पास कुछ रिजल्ट्स उसके आते हैं, और देखते हैं क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं। आइए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं एंगल बाइसेक्टर्स की। ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल पी क्यू और आर, जैसे कि हमने पीछे बताया था ये तीनों के तीनों जो वर्टेक्स हैं, इनके जो एंगल्स हैं बेसिकली पी क्यू आर, इनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं, ये जहां पर मीट करेंगे उस पॉइंट को हमने दोस्तों इन सेंटर बोला हुआ, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक थ्योरम हमारे पास आती है, उसमें एक अच्छा सा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, वो ये कहता है, रिजल्ट ये बताता है कि जो रेशियो है दोस्तों पी क्यू का डिवाइडेड बाई पी आर इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, दोस्तों ये जो पॉइंट है, लेट सपोज ये एम पॉइंट पे यहाँ पे इसको काटता है, तो रिजल्ट क्या होगा, पी क्यू डिवाइड बाई पी आर, मतलब कि ये लेंथ जो है डिवाइडेड बाई ये लेंथ इज इक्वल टू क्यू एम डिवाइडेड बाई एम और आर। जैसे कि क्यू एम और एम और आर बोलेंगे ये और ये जो लेंथ है। तो जो रेशियो होता है पी क्यू साइड का, जो साइड ऑफ ट्राइंगल है पी क्यू और पी आर एक और साइड है, उसका जो रेशियो होता है वो बराबर होता है जो वर्टेक्स पी, जो कॉमन वर्टेक्स, जैसे यहां पर गौर कीजिएगा पी है, उसके अपोजिट जो साइड है क्यू आर, वहां पर एक पॉइंट कटेगा उसको एम बोलेंगे, तो क्यू एम डिवाइडेड बाई एम आर। तो ये एक दोस्तों हमें एक रिजल्ट मिलता है और ये इसको परफेक्ट रेशियो में डिवाइड करता है। रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब इन सर्कल का कॉन्सेप्ट आता है और जब एंगल बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट से हम डील करते हैं। आइए दोस्तों रिजल्ट देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कैसे काम करता है एंगल बाइसेक्टर। दोस्तों ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल पी क्यू और आर। यहां पर दोस्तों ये हो जाएगा पॉइंट आई, जहां पर ये तीनों के तीनों जो एंगल्स हैं उनका जो एंगल बाइसेक्टर आके मीट करेगा। किसी भी साइड से अगर इन सेंटर पे लाइन डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो वो जो लाइन होगी दोस्तों वो होगी रेडियस आर, ये होगा आर। तो इस केस में जो रेडियस आर होगा इसको हम इन रेडियस बोलेंगे और इसकी जो वैल्यू होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, दोस्तों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो क्या होने वाली है दोस्तों, इसकी वैल्यू होने वाली है साइड ए बाय टू अंडर रूट थ्री। यहाँ पर गौर कीजिएगा ए जो है वो लेंथ है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड की, तो ए जो लेंथ है वो बराबर होती है तीनों साइड में। जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमारे सामने इन रेडियस का आता है वो आता है ए डिवाइड बाई टू अंडर रूट थ्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जब हम इन सेंटर की बात करते हैं और इन रेडियस की बात करते हैं। आइए दोस्तों कुछ और रिजल्ट देखते हैं एंगल बाइसेक्टर में जो हमारे पास आते हैं अगर हम किसी भी एंगल को एक्सटर्नली काटते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर, और यहाँ पर दोस्तों इस लाइन को, लाइन पी को, ये दोस्तों ट्राइंगल हो गया पी क्यू और आर। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर जो क्यू है उस वर्टेक्स को एक्सटेंड कर दिया दोस्तों, और गौर कीजिएगा ये इसका एक्सटर्नल एंगल हो गया, ये इंटरनल एंगल था और ये देखिए दोस्तों इसका एक्सटर्नल एंगल हो गया। तो एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर हम बनाएंगे तो वो कहीं यहाँ पे आके मीट चला जाएगा। सिमिलरली हम अगर एक्सटर्नल एंगल जैसे कि आर का एक्सटर्नल एंगल बनाएंगे तो वो दोस्तों यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं मीट करेगा और परफेक्टली ये यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे अगर हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ मीट करेंगे, ये एक हमारे पास पॉइंट आ गया के। तो एंगल बाइसेक्टर सिर्फ इंटरनल एंगल के लिए ही नहीं एक्सटर्नल एंगल के लिए भी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट है फॉर इंटरनल एंगल बाई सेक्टर्स। एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर के लिए रिजल्ट काम करता है, रिजल्ट कहता है कि जो एंगल क्यू के और आर है, जो ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, वो होगा दोस्तों 90 डिग्री माइनस ऑफ जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है एंगल पी डिवाइड बाई टू। कहने का मतलब अगर हम के की वैल्यू निकाल रहे हैं तो के क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा माइनस ऑफ अपोजिट, इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल पी है, तो पी बाई टू यहाँ पर ये एक रिजल्ट हमारे लिए बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर हम इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद रखें, काफ़ी कॉन्सेप्ट में ये काम आता है जब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कहीं बाहर किसी एक पॉइंट के पर मीट करते हैं और इंटरसेक्ट करते हैं। दोस्तों इस तरीके से हम एंगल बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। हमने दोनों देखे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पर हमें कुछ रिजल्ट्स भी मिले जो कि हमें रेशो के फॉर्म में कुछ आइडेंटिटीज मिली। उससे पहले हमने इन सेंटर की बात करी थी जहाँ पर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मीट करता है किसी भी ट्राइंगल का, और हमने एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखा था जहाँ पर जो कि एंगल बना रहा था किसी भी साइड से इन सेंटर पे। तो
इस तरीके से हम इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल और एंगल बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आई होप दोस्तों वो काफी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।